हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये है कैनन की इमेस क्लास MF3010 प्रिंटर। फ्रेंड्स, इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो फिलहाल प्रिंटर ऑन हो रहा है, रेडी हो रहा है। तो पहले मैं एक कॉपी कर लेता हूँ और दिखाता हूँ। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैंने एक पेस स्कैनर में डाल लिया है और अभी दो कॉपी में प्रिंट आउट करके देख लेता हूँ। तो स्टार्ट किया मैंने। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने स्टार्ट कर दिया है, पेपर भी खींच लिया है और ये देखो इसका रिजल्ट। देखो ऊपर की तरफ एक जो लाइन है जो फिलहाल मिसिंग आ रहा है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, देखिए जो नीचे, ये जो नीचे का छोटा वाला जो लाइन है वो मिसिंग आ रहा है। और साथ ही साथ इसका जो एरर कोड आ रही है वो है E20। E20 यानी कि E20 का मतलब जो है वो है इसका स्कैनर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मेनली इसका स्कैनर का ही एरर आ रहा है फिलहाल। तो अभी मैं कंप्यूटर से इसका एरर को मैं शो कर रहा हूँ। मेनली इसका प्रिंट आउट ओके है बट स्कैनिंग इसका ओके नहीं है। तो अभी आप लोग देख ही सकते हो, मैंने स्कैन किया, प्रीव्यू किया और देखो आप लोग, जो ये नीचे की, जो नीचे नहीं ऊपर की साइड जो है ये हमारा ब्लैंक आ रही है। इतनी जगह, इतनी सी जगह ये मतलब स्कैन नहीं हो रहा है, कभी कभी होता है। तो आप लोगों के भी प्रिंटर के ऐसी प्रॉब्लम आए तो मैं बता देता हूँ कैसा प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी वो जो नीचे की जो पोर्शन है उस जगह पे प्रिंट आउट नहीं होगा, मतलब कुछ भी लिखा नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। कभी कभी जो पूरा पेज है, पूरा पेज ही ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं दो तीन बार प्रीव्यू करके देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ हम लोगों को। देखिए मैंने जितनी भी बार किया है कि प्रीव्यू, सेम उसी जगह पे आपका ये ब्लैंक आया है। तो यही है मेन रीज़न। तो अभी प्रिंटर को खोल के देखेंगे, इसका बैक पैनल जो है इस साइड का, ये पैनल खोल के देख लेते हैं। और ये जो स्कैनर का ऊपर का ढक्कन है, इसका जो क्लिप रहता है ये टूट गया है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और इस साइड का ये जो पैनल है ये, इसको खोलने से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी कनेक्टर वगैरह है सब इसी साइड है। तो इसको खोल लेते हैं, बहुत ही आसान है, दो तीन क्लिप, मतलब क्लिप जैसा रहता है, उसको खोल के ही हमारा ये सब कनेक्टर रहेगा। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ वाइट कलर का केबल, ये है आपका फ्रंट पैनल का केबल। और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये है स्कैनर का केबल, ठीक है। तो मेनली होता है क्या, इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो जो स्कैनर केबल होता है, स्कैनर केबल अगर ख़राब हो जाता है तब ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब आपका अगर प्रिंटर 4-5 साल हो गया है, 4-5 सालों में आपने एक बार भी इसको रिप्लेस नहीं किया स्कैनर केबल को, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो आपका जो स्कैनर का जो लेंस होता है वो लेंस ख़राब हो सकता है। तो दोनों में से एक ख़राब होगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दोनों में से एक का ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप लोग समझ ही पा रहे हो, हम अगर इसमें से स्कैनर केबल को चेंज करेंगे, स्कैनर केबल चेंज करके देखेंगे, अगर स्कैनर केबल चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है
तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं तो हम जो लेंस है लेंस को चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो स्कैनर केबल है केबल को ही चेक करके मतलब चेंज करके देखेंगे, क्योंकि ये हमारा कम बजट में हो जाएगा, तो इसीलिए स्कैनर केबल को चेंज करना ही सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको चेंज करने के लिए हमें ये जो जितने पीछे की तरफ जितने भी स्क्रू दिख रहा है आप लोगों को, मतलब 2, 4, 6, 6, 7 स्क्रू रहता है, ये सारे स्क्रू आप लोगों को खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल लेंगे, जितने भी स्क्रू है वगैरह है, इसको खोल लेने के बाद मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे इसको जो लेंस है और केबल है कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करो। और एक जो बात है जो मेरे को बहुत ही दुख की बात है, जो आप लोग तो वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते यार। मैंने अभी यूट्यूब की जो एनालिटिक्स है उसमें जाकर चेक किया तो दिखा रहा है 98% लोगों ने, जो मेरा व्यूअर्स है 98% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो यार कैसे चलेगा, आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ना, ठीक है ना यार। अभी मेरा 3000 सब्सक्राइबर भी पूरा नहीं हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया है मेरा चैनल, बट आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो। सब्सक्राइब तो करो, साथ ही साथ आपका जो लाइक बटन है उसको भी एक बार क्लिक करो यार। लाइक बटन आप जब क्लिक करोगे, प्रेस करोगे, लाइक दोगे वीडियो को, तब क्या होगा, मेरा वीडियो ट्रेंडिंग पे चला जाएगा। और एक बहुत ही खुशखबरी है जो कि आप लोग अगर मेरा चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दोगे, जितनी जल्दी कर दोगे तो उतनी जल्दी मेरा फ़ायदा, आप लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि मैं ऐसा चीज़ लेके आने वाला हूँ जिससे आप लोगों का प्रिंटर रिपेयरिंग का जो सीक्रेट है वो सीक्रेट मैं बता दूंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों का इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब आप लोग प्रिंटर जो रिपेयरिंग करते हो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा कर दो। ऐसा वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ जो लोग जो पैसे देकर भी आप लोग वो वीडियो मतलब आप लोग पैसे दे के वो वीडियो को ख़रीद सकते हो, बट मैं पैसे मेरे को पैसे नहीं चाहिए, आप लोग 10,000 पूरा कर दो, मैं वो सब वीडियो फ्री में दे दूँगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो ये देखो, ये जो हमारा ऊपर का जो ढक्कन है इसको खोलने पर चारों तरफ आपका लॉक रहता है और निशान भी दिया हुआ है, ठीक है, निशान भी दिया हुआ है, तो निशान उस जगह पे आपको लॉक को हटाना पड़ेगा। और ये हमारा ऊपर का जो कांच का ट्रे है वो खुल जाएगा और ये हमारा लेंस बाहर निकलेगा। तो अभी मैं जो देख पा रहा हूँ, ये जो आपका लोहे का रॉड रहता है ये थोड़ा सा सूखा चल रहा है, क्योंकि ये कस्टमर ने बताया है ये प्रिंटर 5-6 साल हो गए उनके पास, अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो ये सूखा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये लेंस को भी बाहर निकल लिया और बेल्ट वगैरह खोल लिया, अब लोगों ने देखा ही कैसे खोलते हैं। और ये जो केबल है ये केबल कैसे खोलते हैं ये आप लोग देख पा रहे हो। और ये लेंस को थोड़ा सा हम ऊपर उठा के बाएं तरफ खींचेंगे तो ये निकल आएगा।
अभी मेरे को जो लग रहा है, ये जो बेल्ट है, मतलब केबल है, एक केबल की हालत थोड़ा सा ख़राबी है, क्योंकि केबल थोड़ा सा ज़्यादा चल चुका है, देख के ही पता लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो फिलहाल तो मैं केबल चेंज नहीं करने वाला हूँ, बट मैं पहले लेंस को ही चेंज करके देख लेता हूँ। पहले लेंस को चेंज करेंगे। मेरे पास दूसरा एक लेंस है, और ध्यान रखें दोस्तों, ये जो लेंस का जो पार्ट नंबर है, ये पार्ट नंबर आप लोगों को एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप लोग पार्ट नंबर गलत लेंस लगाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास जो लेंस है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, सेम पार्ट नंबर वाला लेंस है, तो अभी इसको हम लगाएंगे। हमने जैसे खोला था इसको, सेम उसी तरह लगाएंगे। देखिए, पहले ये जो दोनों तरफ दो होल रहता है, ये दोनों को आपको अलाइन करके इसको सिर्फ दबा देना होगा। देखिए, मैंने दोनों होल को अलाइन कर लिया और इसको दबा दिया। और ये जो केबल है, केबल को भी लगा दिया। लगाने के बाद इसको जैसे रहता है सेम उसी तरह इसको रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से लगेगा, और इस तरफ से भी एक लॉक है। ये हमारा केबल फिटिंग हो गया पूरा, पूरी तरह से। ठीक है, और ये जो रॉड है, इसको थोड़ा सा ग्रीसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 साल हो गया है इसका, अभी तक ग्रीसिंग नहीं हुआ है, सूखा चल रहा है बिल्कुल। हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर ग्रीसिंग करेंगे तो ये जो लेंस होल्डर रहता है ये सही से काम करेगा। तो अभी इसको बिठा दिया मैंने, और ये जो बेल्ट है, बेल्ट को भी मैंने लगा दिया है, और ये स्प्रिंग रहेगा रहेगा सॉरी, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है मेरा। ये स्प्रिंग लगा दिया, और देखो फिटिंग हमारा कंप्लीट है। और लेंस के ऊपर दो आपका प्लास्टिक का, आपका क्या कहता है पता नहीं, इसको इसको लगा देंगे, यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम ख़त्म। देन हमारा जो आपका ऊपर का तरफ जो ग्लास रहता है, ग्लास कवर, इसको लगा देंगे, और थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, और अभी मैं स्क्रू वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि स्क्रू मैं बाद में लगाऊंगा। फिलहाल मैं चेक करके देख लेता हूँ कि सही से काम कर रहा है या नहीं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करना। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया मेरा ये पेपर देने में, बट आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हो, ये नीचे की तरफ हमारा जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो अभी सॉल्व हो गया। ठीक है,